ध्यान से सुनो, हम इंसानों पे हमला करने जा रहे हैं, थॉमस हमारी मदद करेगा। नहीं और चार्ल्स, हम ऐसा नहीं कर सकते, इंसान हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे? अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी थॉमस, तो याद रखना हमारे पास एक खतरनाक चुड़ैल है। मैं तुम्हें मॉन्स्टर बना दूंगी, तुम दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो थॉमस, लेकिन अगर मूड खराब हुआ तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। सुना कि नहीं थॉमस, हमारा साथ जो इंसानों को मारने में, लॉस सैंटोस हम जाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। लेकिन इंसानों ने हमें बहुत कुछ दिया भी है, उनमें कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। देखो भैया सुन लो, गाँव वालों, क्या बात कर रहा है थॉमस पागल? यार तुम लोग कैसे हो गए हो, बिल्कुल खूंखार पागल हो गए हो तुम लोग, तुम्हें समझ में नहीं आता कि इंसान कितने अच्छे होते हैं। बिल्कुल थेताबा, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने मुझे कितनी बार कितना कुछ खिलाया पिलाया है, इंसान को मत मानना प्लीज। इंसान तुम्हारे सगे होंगे लेकिन हमारे नहीं, हम तो उनको मारना चाहते हैं। देखो इनको, पिंटू और सिंटू को देखो, दोनों छोट हो गए हैं, साथ में बॉक्स भी बन गए, देख रहे हो, बेचारों को गले में स्प्रिंग लगा दी गई है इंसानों के तहत। भाई हमारी जिंदगी बर्बाद कर डाले इंसान, और माँ भाई टिंटू की भी है। टिंटू भाई सही हो ना? नहीं, और बेचारे प्यारे जोकर के देख लो, उसके भी जिंदगी बर्बाद कर दे, मुंह देख लो कैसे हो गया इसका, इसकी तो लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती। बिल्कुल सही कहा, इंसानों को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने सबको बर्बाद किया है जितने यहाँ पर है। बेचारा मोगली से टार्जन बन गया है, एक चड्डी में जिंदगी काट ली बेचारा, इंसानों ने इसको अपनाया नहीं। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने मुझे नहीं अपनाया। अब बताओ थॉमस, कितने तुम्हें मैं दलीलें दूं, दलीलें देते देते मैं पागल हो जाऊंगा, अगर तुम इंसानों के हमदर्द बने तो चीट डालेंगे। लेकिन जो उन्होंने किया वो भी तो गिनो ना, उन्होंने हमारे साथ कितना अच्छा कुछ किया, उन्होंने जंगल बनाया, पेड़ लगाया, हम आराम से यहाँ रह सके, उन्होंने हमें खाने पीने के संसाधन भी दिए। चुड़ैल सुन, बोलो बताओ, इसको श्राप दे दे जल्दी से, ये बहुत ज्यादा इंसानों का हमदर्द बना बैठा है। रुका, देती हूँ मैं अपनी मुकद्दस बहनों को बुला लेती हूँ पहले। उन्होंने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी, मुर्गी बना दी मुझे। हाँ बिल्कुल सही है, बताओ बेचारी मोमो जाके डरवाती है सबको, उनको मुर्गी बना दे इन इंसान, बताओ और कहा चाहिए तुमका थॉमस? अरे ये लोग पूले पादल लोग हैं, चलो हम लोग कहीं और लेने चलते हैं भाई। हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मेरी मुकद्दस बहनो कहाँ हो, जल्दी आओ। पता नहीं क्या कर रही है बुढ़िया। आ गई मेरी बहन, बताओ। बहन बस बहुत तुमने भीख मांग लिया, उठो बताओ क्या हुआ। हमें थॉमस द ट्रेन कुकर्स थॉमस बनाना है। चोचो चार्ल्स, हम दोनों बड़े हैं, प्लीज मेरी बात सुनो, हम इंसानों को नहीं मार सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ हम दोनों सबसे बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं समझा तू, इसको कर्ज थॉमस जल्दी बनाओ। दो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ये लोग मुझे कल थॉमस बना देंगे, मैं कल थॉमस नहीं बनना चाहता, मैं बुला बन जाऊंगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, मैं कर्ज थॉमस बिल्कुल नहीं बनना चाहता, वो कर्ज थॉमस बनने के बाद मैं बुरा बन जाऊंगा। तो ठीक है मेरी प्यारी बहनों, मुझे पीछे से ताकत देना। प्लीज चुड़ैल नन ऐसा मत करो, प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे हम लोगों को कर्ज थॉमस मत बनाओ। मुझे माफ करना, मुझे बनाना ही होगा। अरे बन गई भैया, बन गए इन लोग कर्ज थॉमस। बताओ मेरे आका, मुझे क्या करना है? वाह वाह क्या बात, क्या बात मुकद्दस चुड़ैलो, तुमने आखिरकार इसको कर्ज थॉमस बना दिया। मैंने कहा था जब हम बहनें मिलते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बताओ मेरे आका, क्या हुक्म है? बताओ बताओ। जाओ उन इंसानों को खत्म कर दो, और सबसे पहले फ्रैंकलिन को, वही हमेशा लॉस सैंटोस को बचाता है, उसका घर टाउन टॉल हिल पे है। उसका घर है एक बहुत बड़ी जगह पे, जाओ उसको खत्म कर दो, अपने छोटे भाइयों को भेजो, मैं भी भेजूंगा। ठीक है मेरे आका, समझ गया मैं, अब मजा आएगा खेल में। नया दिन, चुप चलो यार, थोड़ा घूमने उमने चलते हैं, क्या मौसम है, लेकिन थोड़ा सा धुआं धुआं है, लेकिन फिर भी मजेदार है। हक रहे हो बे, तुम्हें हमेशा हकते रहते हो और कुछ नहीं करते, चलो हमें घूमने चलना है, ठीक है, समझ गया कि नहीं तुम? ए सुन बस, सूरज से जानवर चल मेरे पीछे आ। ठीक है मेरे आका। चल जल्दी कर, हमें फ्रैंकलिन को मारना होगा, समझ गया कि नहीं? ठीक है मेरे आका। चल जल्दी कर, आका के घोड़े, चल चल। आ रहा हूँ मेरे आका। ध्यान देना फ्रैंकलिन यही कहीं पर है, जैसे मिलेगा छुरा भोंक देंगे पेट में, ठीक है? ठीक है मेरे आका। अरे वो चुड़ैलन तो एक काली कठपुतली बना दी, चल जल्दी कर, बेवकूफ कहीं का। ठीक है मेरे आका।
फ्रैंकलिन तुम कौन हो? अरे ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो निकलो सालो। अरे कहाँ रामपुर ले मार दिया फ्रैंकलिन को, भोग दिया चूरा, समझे बे? हाँ मेरे आका। अरे कोई लायक नहीं बचा, बस खाली आका का करता रहता बेवकूफ कहेगा, फ्रैंकलिन को मार दिया, चलो भागो यहाँ से जल्दी जल्दी, अब हम लोग पूरा शहर तबाह कर देंगे, चल बे। मार दिया भाई, काम हो गया। ठीक है आ जाओ, चलो चलो निकलते हैं, चलो। अब शहर तबाह कर देंगे, बुलाओ सबको, फ्रैंकलिन का काम खत्म। बड़े भाई खुश हो जाएंगे जो तुमने किया है मेरे छोटे भाई। हाँ चलो कुछ खबरें दे देते हैं, फ्रैंकलिन गया, अब हमारे रास्ते कोई नहीं आएगा। जी मेरे आका। अरे दिमाग चाट के रख के, फायदा नहीं हुआ है कर्ज थॉमस बनाने का। क्या तुमने सही किया मेरे भाई? जी मेरे आका। अरे चुप कर आएगा। तो ठीक है मैं आ गया। तुम लोग भी आ गए? मैं आ गया आयरन मैन। डॉक्टर सही हो ना? बिल्कुल सही हो। चलो फ्रैंकलिन से मिलते हैं। हाँ सर जी, चलो बहुत दिन से फ्रैंकलिन से नहीं मिले। तो ठीक है मिलते हैं। थॉर बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, चलो चलो। तो ठीक है आ जाओ। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मेरे दोस्त, बहुत दिन होंगे फ्रैंकलिन से मिले। फ्रैंकलिन मेरे प्यारे, नहीं 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 एक मिनट, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। फ्रैंकलिन, ऐसा लगता है फ्रैंकलिन को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है, हमारे दोस्त को किसी ने मारा है, हमें बदला लेना होगा, लेकिन हमें जानना होगा कि आखिर किसने किया ऐसा। अगर ऐसा किसने किया, हमारे प्यारे फ्रैंकलिन को किसी ने मार दिया। जरूर कोई शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा होगा। हाँ वो जानते हैं कि सिर्फ कोई उन्हें रोक सकता है तो वो फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन को उन्होंने मरवा दिया। सर जी हम क्या करेंगे सर जी, बताओ, हमारे दोस्त को मार दिया उन लोगों ने, अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते सर जी। बताओ अब क्या करें आयरन मैन? हमें उन्हें ढूंढना होगा, जहाँ पर भी होंगे निकाल कर उनको मारेंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, अपने दोस्त का बदला लेकर रहेंगे। चलो मेरे दोस्तों। लेकिन सर जी फ्रैंकलिन का क्या, हमें उसको बचाना होगा किसी भी हाल में, हम उसे नहीं छोड़ सकते मरने के लिए। वो तो पहले ही मर चुका है। फ्रैंकलिन I love you फ्रैंकलिन। ऐसा लगता है वही लोग हैं, वही लोग हैं जो आक्रमण करना चाहते थे, उनका रास्ता साफ हो चुका है क्योंकि फ्रैंकलिन मर चुका है, हमें जाकर बचाना होगा। लेकिन सर जी फ्रैंकलिन का क्या करें? फ्रैंकलिन को यहीं पर रहने दो, हम उसको बाद में दफनाएंगे। नहीं सर जी मैं बचाने की बात कर रहा था फ्रैंकलिन को। बहुत सारी चीजें ऑडियंस के ऊपर है, अगर ऑडियंस लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो बचने की उम्मीद हद से ज्यादा है, वो बच भी जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करते तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते छोटे। प्लीज दोस्तों लाइक करो चैनल को, नहीं मतलब वीडियो को लाइक करो। पहले हमें लाइक के बारे में छोड़ के हमें शहर को बचाना होगा, जल्दी करो, हमें निकलना होगा, जल्दी मेरे पीछे हो, वक्त नहीं है। कहाँ है वो लोग, मुझे देखना होगा। शहर में बहुत पूरी तरह से वो लोग तबाही मचा रहे होंगे, लेकिन कहाँ है कहाँ है, अब तक तो दिख जाना चाहिए था। मुझे जल्दी उनको हराना होगा, खत्म करना होगा। तुम लोग सुन रहे हो ना? हाँ सर जी आपके पीछे ही हैं, पीछे ही हैं। ठीक है उन्हें ढूंढो, शहर में ढूंढो, वो कहीं पर हैं, जल्दी करो। हाँ सर जी ढूंढी तो रहे हैं, जाने मिले नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। थॉर मैं भी ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है ये रहे, मिल गए मुझे। जल्दी करो जल्दी करो, ईस्ट कोस्ट उधर ही है, ये लोग दो लोग हैं। ठीक है सर जी आ गए। आ गए सर जी, बस आ गए, दिख गए सर जी, मुझे भी दिख गए। जल्दी करो छोटे जल्दी करो। हाँ हाँ सर जी आ गए आ गए, छोड़ेंगे नहीं इसकी तो मैं। कौन वाले के लिए सर जी? तुम लाल वालों को, लाल वाले को, लाल वाले को। ठीक है सर जी ठीक है समझ गया, छोड़ेंगे नहीं। हाँ ठीक है ये ले। अरे हम ही मार के आ रहे हैं सर जी, जल्दी करो थॉर लोग, तुम लोग भी आओ यार, ये बहुत खतरनाक है, हम इसको ऐसे नहीं हरा पाएंगे। बस मैं आ गया, मुझे भी दिख गया। ये लो अब बताता हूँ, ये लो। अरे ये तो बहुत ताकतवर है। मैंने कहा था तुमसे बहुत ताकतवर है थॉर, जल्दी करो। मैं कर रहा हूँ, अब छोड़ूंगा नहीं, रुको मैं अपनी तूफान वाली पावर लेकर आता हूँ। कहाँ गई तूफान वाली पावर मेरी, ये रहा अब देखता हूँ। आ जाओ, अरे बाबरे बहुत ताकतवर है। हल्क जल्दी करो, हल्क तुम भी आओ। आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ। ये बहुत ही खतरनाक है, फ्रैंकलिन की जरूरत पड़ेगी हमें। मैं भी आ गया, कहाँ गया, छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोस्तों को मारोगे तुम लोग। क्या हुआ, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक मुझे लग रहे हैं। हाँ मैं यही तो कह रहा था हल्क, बिना फ्रैंकलिन का हम इनको नहीं हरा पाएंगे। अरे ये तो मुझे भी मार रहा है यार, बहुत ज्यादा लगता है ये, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सच में बिल्कुल सही कहा तुमने, बिना फ्रैंकलिन के इन्हें हराना नामुमकिन है। अरे यार अब मैं क्या करूं,
बिना फ्रैंकलिन के हम नहीं हरा सकते, हमें भागना होगा, दुम दबा के निकलना होगा यहाँ से। चलो जल्दी करो, यहाँ से निकलना होगा, हम इनसे नहीं लड़ सकते बिल्कुल भी। हमें फ्रैंकलिन को ही जिंदा करना पड़ेगा किसी भी हाल में। वीडियो देखने वालों से गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उन लोग से बार बार कहना पड़ेगा कि वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमें दोस्त में बचाना ही होगा। क्या हुआ उसको रापा है? नहीं वो बहुत ताकतवर है। क्या हुआ, कुछ मिला फ्रैंकलिन को जिंदा करने के लिए? नहीं, जब तक ऑडियंस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कुछ नहीं होगा। वो कर देंगे, चलो हमें भी कुछ करना होगा, बाकी सब आ रहे हैं। चलो जल्दी करो, उठा के ले चलो फ्रैंकलिन को, हमें चलना होगा, निकलना होगा यहाँ से। अरे उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मुझे भी लगा हमें जल्दी फ्रैंकलिन को निकालना होगा यहाँ से लेके, ठीक है? हमको ऐसी जगह जाना होगा जहाँ फ्रैंकलिन को हम जिंदा कर सके। ऐसी जगह कौन सी जगह है आयरन मैन? हम ढूंढ लेंगे, किसी न किसी हाल में ढूंढ लेंगे। मेरे फ्रैंकलिन को प्लीज जिंदा कर दो आयरन मैन, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं। हम उसे बिल्कुल करेंगे, परेशान मत हो। चलो उसके पीछे भरो, निकलते हम लोग। आ जा जल्दी करो, वो लोग बस तबाही मचाए रहे, वो खत्म कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे इस लॉस सैंटोस को। सर जी आखिरकार हम ले कहाँ जाएंगे फ्रैंकलिन को जिंदा करने के लिए? हमें उस जंगल में जाना होगा, मायावी जंगल के अंदर। हमें कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल सकती है जिससे हम फ्रैंकलिन को जिंदा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर जी, जल्दी करो। बाकी जो लाइक और सब्सक्राइब वो तो उनके ऊपर है जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी है, लेकिन हमें फ्रैंकलिन को जिंदा करना होगा। ठीक है सर जी, समझ गए। अरे सर जी क्या पब्लिक को ठोक रहे हो आप? मजा आता है सर जी, वाले मायावी जंगल में आ गए ना? नहीं नहीं, वो जंगल में हमेशा कोहरा रहता है बहुत ही खतरनाक तरीके से, वो जंगल अभी हम लोग नहीं पहुंचे। ठीक है सर जी, जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, उनको हराना है सर जी, दानों पूरा खत्म कर देंगे लॉस सैंटोस को। मुझे पता है बिल्कुल पता है। अब कितनी दूर और बचा है भाई, मैं तक क्या बैठे। अरे यार बस थोड़ा इसे बचा है, जहाँ कोहरा दिखने लगेगा समझो वो जगह आ गई जिस जगह को हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लगता है वो जगह हम पहुँच गए, ये आ गया कोहरा वाली जगह। हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा डॉक्टर, चलकर एसी के अंदर देखते हैं। अब हमें वो जड़ी बूटी ढूंढना होगा और फ्रैंकलिन को जिंदा करना होगा। तो ठीक है यहीं पर रोकते हैं अपनी इस वैन को, ठीक है? तो ठीक है चलो बाहर आ जाओ, जल्दी करो, हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त कम है। तो सर जी बाकी क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो, इस जंगल के अंदर हमारी शक्ति हमसे छीन ली जाएगी क्योंकि उसके बदले में बहुत कुछ मिल भी रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है हल? कुछ नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था हमारी शक्ति छीन ली जाएंगी, हम बिल्कुल आम इंसान के जैसे हैं। हमें क्या करना होगा, उन सारी जड़ी बूटी को ढूंढना होगा अलग अलग होके, लेकिन ध्यान रखना ये जंगल मायावी के साथ इसमें खतरनाक जीव भी होंगे जो भी तुम्हें मार सकते हैं एक बार में, तो समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? समझ गया। हाँ सर जी समझ गया। हाँ समझ गया, बिल्कुल समझ गया। कैप्टन तुम कब से नहीं बोल रहे हो? समझ गया। हल्क? हाँ समझ गया। तो ठीक है अलग अलग जाएंगे, 1 2 3 वैन हमारी यहाँ पे रहेगी, चलो निकलते हैं, अलग अलग जाएंगे सब लोग अलग अलग। इधर मैं जाता हूँ, मुझे जड़ी बूटी ज्यादा लगता है इधर ही बिलाई है, वो चोटी से जो बिल्कुल दिख रही है ना टनल उसके अंदर जाकर देखता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने फ्रैंकलिन को बचा के रहूंगा, चाहे मुझे जैसे भी ढूंढने पड़े। अरे यार रात भी होने वाली है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फ्रैंकलिन को किसी न किसी हाल में बचाना होगा, लेकिन किधर जाऊँ किधर होगी वो जड़ी बूटी? ठीक है जल्दी फ्रैंकलिन मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरे दोस्त के नाते मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे यार यहाँ पे तो एक घर है, जाकर देखता हूँ नीचे आराम से, मुझे फ्रैंकलिन को किसी हाल में बचाना ही होगा, वो दाना पूरी तरह से मैं परेशान करके रखे हुए हैं। ठीक है जाकर आगे से देखता हूँ इसके अंदर कौन है। हेलो कोई है? उधर से जाता। अरे यार अरे क्या हो रहा है? हेलो कोई घर में है? हमारी मदद करो, हमें एक जड़ी बूटी की ज़रूरत है, प्लीज़ कोई तो हमारी मदद करो। मोटे टॉनिक तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ, पकड़ लो चल के उसको। आज खाने में स्पाइडरमैन का गोश्त बनेगा, चलो जल्दी करो जल्दी हमारे पीछे, देखता हूँ कहाँ पर है वो रहा, चलो पकड़ते हैं उसको। हो आराम से, लेकिन वो बहुत ही साथी रहे, यहाँ पे किसी की ताकत काम नहीं करती, आज हमारा पेट भरेगा, चलो। हो चलो जल्दी करो, प्लीज मेरी मदद करो, हम तुम्हें मार देंगे। नहीं हो कौन है ऐसा, तो स्पाइडरमैन की आवाज है, खैर शायद कोई और होगा, मुझे जाना होगा। ठीक है ये जंगल बहुत ही खतरनाक होता चला जा रहा है, ऐसा लगता है यहाँ पे न जाने क्या क्या हो रहा है। कहाँ है वो जड़ी बूटी, मुझे मिल नहीं रही अभी तक, अब तक तो मिल जानी चाहिए थी, कहाँ गई वो जड़ी बूटी। हो खानो अरे क्या हुआ, ऐसा लगता है तो और क्या हुआ थी, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है मैं जल्दी जाता हूँ, बाप रे बहुत ही खतरनाक जगह लग रही है, जल्दी भागते रहना होगा। क्या हो रहा है?
मैं कौन है तुम मुझसे दूर रहो? कौन था यार? ये वो क्या रहा है यहाँ पे? ऐसा लगता है सबको एक एक करके कोई मार रहा है। कहाँ है वो जड़ी बूटे? अभी तक मिले नहीं, अब तक तो मिल जानी चाहिए। कहाँ गई वो? ये सारे हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर की इधर से आवाज आई थी, देखता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर कहाँ हो तुम? डॉक्टर, डॉक्टर। और खाना यार, कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि वो नायाब चीज कहाँ पर है जो फ्रैंकलिन को जिंदा कर सकती है। ऐसा लगता है कि ये जंगल और खतरनाक होता चला जा रहा है और धीरे धीरे रात भी हो रही है। क्या करूँ यार, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता। अरे यार अब तो मिल जाओ। अरे ए भाई, हमारा प्लान कामयाब रहा। आज के सारे दोस्त मारे गए और फ्रैंकलिन भी, और इसका देश भी, ये शहर तबाह हो जाएगा। अब हमारी जीत पक्की है। ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता चल जाएगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लिखो जल्दी नीचे। पार्ट टू ले जा इसको और बंद कर दो। और बाकियों को कहा जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं।